हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त मनोज। दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है मनोज वीडियो मिक्सिंग पॉइंट। तो दोस्तों, जिन भाइयों ने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ के बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि वीडियो एडिटिंग के रिलेटिव जो भी चीज़ें होती है, जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, आपके साथ अपना प्रोजेक्ट भी शेयर करता हूँ, कुछ अपना 3D इफेक्ट भी शेयर करता हूँ। तो इस टाइप का अगर आप लोग सीखना चाहते हो या फिर जानना चाहते हो और फिर या फिर लेना चाहते हो, तो इन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की जो मेरी टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि काफ़ी दिनों से लोग मेरे को एक ही प्रॉब्लम कर रहे हैं कि सर, वीडियो मिक्सिंग की में हम लोग मिक्सिंग कर लेते हैं, सब चीज़ कर लेते हैं, लेकिन डाटा का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, ये क्या प्रॉब्लम है। तो इन्हीं चीज़ों पे आज मैं बात करने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या कौन सा तरीका है वो हम अपनाएं, जिससे कि अपना डाटा का साइज़ ज़्यादा बड़ा ना हो और डाटा भी बड़ी आसानी से अपना जो है काम भी बहुत आसानी से आप कर सको। ठीक है, तो चलो देखते हैं फिर। तो ये मेरा ADS है, मैं इसको न्यू प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और ये वाला आपको लेने का है। कभी भी ये 50i नहीं लेना, ठीक है, 9020 50i ये नहीं लेना, ये कंप्यूटर का बहुत हैवी हो जाता है। ये लेने का है 25 फ्रेम पे, ठीक है, और ये Full HD है, ओके की है। जैसे करेंगे हम यहाँ से खुल जाएगा। अब फर्स्ट जो है यहाँ पर अपना अपना नाम देने का है, तो मैं अपना नाम डाल दिया, ठीक है। तो अब जो है मैं आपको कुछ सेटिंग भी बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि अपने को हार्डवेयर इनकोडर को अनेबल करने के बाद क्या रेंडर की स्पीड मिलती है और हार्डवेयर इनकोडर मतलब डिसेबल के बाद क्या स्पीड मिलती है, ठीक है। ये भी बहुत, इसके ऊपर में जो है मैं अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा हार्डवेयर इनकोडर का, क्योंकि उसके लिए इस कंप्यूटर को शट डाउन करना पड़ता है, बहुत सारे उसमें काम होता है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो पे जो है इन और आउट की लगा लेता हूँ, मैंने इन और आउट लगा दिया। अब मैं सबसे पहले आपको DVD बनाने का तरीका बताता हूँ कि DVD कैसे राइट होती है। तो सबसे पहले DVD ये फाइल में जाने से पहले, एक्सपोर्ट में प्रिंट टू फाइल जाने से पहले अपने को डाटा का साइज चेक करने का है। तो कैसे करेंगे, शिफ्ट और F11 दबाएंगे। जैसे शिफ्ट F11 दबाएंगे तो यहाँ पर लोडिंग का टाइम लेगा और फिर ये आपको यहाँ पर डिटेल्स बताएगा। तो अपने को ब्लू रे में लेने का नहीं है, क्योंकि ब्लू रे जो है हर आदमी के पास दूसरी ये राइटर होती नहीं है, तो DVD में लेना है। DVD के अंदर में यहाँ पर राइट पे जाएंगे, राइट पे जाने के बाद यहाँ पर डाटा साइज ये आपको दिखा देगा। तो जैसे कि मेरा जो है वीडियो का ड्यूरेशन है 6.5 मिनट का, 6 मिनट 30 सेकेंड का, तो इसकी डाटा का साइज जो है मतलब जो वीडियो का साइज है वो 447 MB है। यानी कि 6 मिनट का जो वीडियो आउटपुट लूँगा तो ये 450 MB का फाइल बनेगा, ठीक है। तो ये तो हमारे को यहाँ पे कंफर्म हो गया कि यार हमने मतलब कि 1 घंटे के वीडियो का फाइल बनाएंगे तो उसी हिसाब से ये डाटा का साइज यहाँ पे अपने को शो कराएगा, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से कैंसल। अब मैं जाता हूँ F11 दबाओगे, शॉर्टकट काम करो, F11 दबाओगे तो ये जो है ये आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुल जाएंगे, सारे चीज जो है आपका खुल जाएगा, ठीक है। अब जो है मैं आपको सबसे पहले DVD राइट करने का तरीका बताता हूँ। DVD MPG में यहाँ पे PAL भी है, आप ये भी ले सकते हो, लेकिन ये 50 फ्रेम पे है, ठीक है। 50i जो है तो 25 फ्रेम पे ही, लेकिन ये 50i है जो कि बहुत ज़्यादा लोडिंग लेता है, बहुत रेंडिंग में आपको टाइम लेगा। तो मैं कौन सा यूज करता हूँ, ये वाला MPG2 प्रोग्राम एक्सट्रीम, ये यूज करता हूँ और यहाँ से करता हूँ एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट पे जाने के बाद जो है यहाँ से मैं सेटिंग वगैरह जो भी चेंज करने का है वो अपना जो है कर लेने का, ठीक है। जो भी आपको चेंज वगैरह जो भी करने का है कर लेना। फिर आपने यहाँ पे जो भी नाम देना है नाम दे करके एंटर करोगे, चाहे सेव कर लो, बात सेम ही होती है। ये आपको एक्सपोर्टिंग बताने लग जाएंगे। यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये जो है क्योंकि ये Full HD के जो फुटेज है वो जो है कन्वर्ट करेगा DVD में, फिर वो जो है एक्सपोर्ट करेगा, यानी कि डबल काम करना पड़ता है कंप्यूटर को, तब जा करके वो DVD के लिए एक्सपोर्ट होता है। तो मैं यहाँ पे करूँगा कैंसिल। अब दोबारा से F11 का बटन दबाऊँगा। अब मैं फिर से MPG2 में ही जाऊँगा, क्योंकि मैं आपको दोनों बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं कभी भी ये दोबारा ये वीडियो नहीं बनाऊँगा एक्सपोर्टिंग का। MPG2 एलिमेंट्री एक्सट्रीम। अब यहाँ पर जाने के बाद ये जो है अपना सेटिंग वगैरह जो भी आपको चेंजेस करना है, इसके अंदर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आता है।
प्रॉब्लम यह आती है कि इसके ऑडियो अलग एक्सपोर्ट हो जाता है, वीडियो अलग एक्सपोर्ट हो जाता है। तो मैं कभी भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि ऐसे इस पे करो, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बताया हूँ। अब मैं इसको कैंसिल कर दिया, तो मैंने आपको MPG2 एक्सट्रीम और जो है एलिमेंट दोनों ही बता दिया। फिर से F11 दबाते हैं। अब हम चलते हैं ये ग्रास वैली लूजलेस क्वालिटी, ये जो है ना ग्रास वैली लूजलेस ये भी है, ये बहुत फास्ट में रेंडर करता है। ये मतलब कि EDS के अंदर में जो भी प्रीसेट होगा ये सबसे फास्ट में ये रेंडर करेगा आपका। वो कैसे, अब अपने को क्या करने का है। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ से एडवांस में गया, कुछ चीज़ें आपको नहीं को जो है यहाँ से चेंज फॉर्मेट कर जो भी करने का है वो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको DVD बनाने के लिए तो करंट सेटिंग में जाने हैं, 720x576 ये DVD की क्वालिटी होती है ये वाली, ठीक है। तो मैं ये सेलेक्ट कर लिया, तो ये सब चीज़ें जो है अपने को सेटिंग कर लेने का है, ठीक है। जब हम सेटिंग सारा कुछ कर लेंगे उसके बाद जो है यहाँ से हम करेंगे एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे जो है क्योंकि ये भी फाइल में बनेगा तो मैं इसका वन नाम डाल लेता हूँ, ये बहुत फास्ट में रेंडर करेगा। ये देखो MPG2 हमारा जो है टाइम ले रहा था 2 मिनट का, मतलब 1.5 मिनट का, और ये जो है 25 सेकंड में वही काम कर रहा है। ये बहुत फास्ट में है लेकिन इसका फाइल साइज बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो 3 प्रीसेट मैंने आपको बताया और ये जो भी आप लोगों के प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। फिर से F11 दबाते हैं। अब आते हैं जी MP4 में, H264 है ना, ये MP4 है और यहाँ पर भी सेम ही आपको सेलेक्टेड करनी है। अगर आपको जो है यहाँ से कुछ चेंजेस वगैरह करने का है तो आप यहाँ पे जो चेंज फॉर वीडियो फॉर्मेट वगैरह आप कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट भी ठीक ही रहता है। अगर हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं तो भी यह वीडियो हार्डवेयर इनकोडर यहाँ पे अनेबल हो जाता है। ये भी जो है क्योंकि ये ग्राफिक कार्ड पे नहीं लगा हुआ है, अगर ग्राफिक कार्ड पे लगाऊंगा तो ये हार्डवेयर यूज हार्डवेयर इनकोडर ये नहीं शो करेगा, तो ये अभी हार्ड ड्राइव पे नहीं है, ठीक है। मैं फिर से इसको करता हूँ कैंसिल जी, और यहाँ से दबाता हूँ F11, और फिर से जो है ये जो है हमारा H264 वही सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और जो है एक्सपोर्ट के लिए अपने को रेडी है। तो यहाँ से जो भी अपने को चेंजेस वगैरह करना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए प्रीसेट बना रहा हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि इसका जो है बड़ी कैमरा के फुटेज होगा तो यहाँ से आपने 9 कर लेने का है, या 9 कर लेना, यहाँ से 11 कर देना, तो ये किसी भी चीज़ में जो है आपको चल जाएगा, ठीक है। अब ये प्रीसेट को कर लेता हूँ मैं सेव, तो यही प्रीसेट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से करता हूँ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने के बाद जो है 9:11 हमारा ये आ गया, ठीक है। और यहाँ से कर देंगे MVM, MVM 3 कर देते हैं जी, ये दीजिए देख लीजिए। ये भी ये जो है आपको थोड़ा सा MP4 से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, वो 30 सेकंड का ले रहा था, ये 45 सेकंड ले रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको सारे चीज़ बता दिया। उससे बाद मैंने अभी 3 तरीके का एक्सपोर्टिंग किया, जो भी आप एक्सपोर्ट करते जाओगे वो सारे के सारे वीडियो जो है यह बिन में आता जाएगा अपने आप ही, ठीक है। अब मैं सेटिंग में जाता हूँ, सिस्टम सेटिंग में जाता हूँ, और यहाँ से जो है इफेक्ट में जाता हूँ। ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कलर करेक्शन में जाने का है, ठीक है। और यहाँ से प्राइमरी कलर करेक्शन है ना, इसको सेलेक्ट करना। अगर जो आप ग्राफिक कार्ड पे लगाए रहोगे तो ग्राफिक कार्ड को सेलेक्ट कर देना। मेरे कंप्यूटर में इनविडिया जी फोर जी टी एक्स 1060 Ti 6 GB वाला ग्राफिक कार्ड इसके अंदर में लगा हुआ है। तो अभी तो मैं लगा रखा हूँ मदरबोर्ड से, क्योंकि हार्डवेयर इनकोडर के थ्रू फास्ट रेंडर कराना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। हालांकि मेरे को रेंडर नहीं करना है, तो मैं ये लिखा है ना इंटेल UHD ग्राफिक, तो इसका एक छोटी तरीका बताता हूँ मैं आपको, इसको चेक कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो है टास्क मैनेजर में जाएंगे, और परफॉर्म पे करके जो है इसको, ये देख रहे हो इंटेल UHD ग्राफिक, इंटेल UHD ग्राफिक, जब हम ये दोनों को जो इसको सेलेक्ट कर देंगे तो ये कंप्यूटर का रेंडर स्पीड जो कलर करेक्शन वगैरह होगा वो बहुत फास्ट होगा, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ इस वीडियो में। तो जो है कलर करेक्शन में जाना और यहाँ से इसको चेक कर देना। EDS के लिए जो है ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आपकी कंप्यूटर के अंदर में 8 से 16 GB के बीच में रैम है, तो आप प्रोसेसर अगर i5 है तो आपको ग्राफिक कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मतलब 2 साल 3 साल पुराना ग्राफ कंप्यूटर
है तो भी आपको ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप जा करके इसकी बायो सेटिंग में जानी पड़ती है। मैं ये बायो सेटिंग वाला जो वीडियो जो है मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा, तो अगले वीडियो वही होगा, क्योंकि उसके अंदर में थोड़ी सी कंप्यूटर का शट डाउन वगैरह करना पड़ता है, तो वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये मुमकिन है अभी, क्योंकि इस टाइम जो है 11:30 बजे रात को, तो दिन में करेंगे। तो यहाँ पे हम ये सेलेक्टेड कर लेंगे और हम ओके करेंगे। तो मैंने आपको, हाँ मैंने बताना भूल गया, तो जिनके पास अगर i3 भी है, जो अभी 8th जनरेशन i3 चल रहा है, हालांकि अभी प्रोसेसर बहुत महंगा है, अभी प्रोसेसर खरीद नहीं पाएंगे कोई भी, मतलब कि नॉर्मल आदमी तो नहीं खरीद पाएंगे जैसे हम हो आप हो, क्योंकि जो मैं प्रोसेसर खरीदा था i7 वो मेरे को 26,500 का दिया था, वही प्रोसेसर अभी जो है 36,400 रुपये का, यानी कि कितने का फर्क हो गया, 26,000, यानी कि 10,200 रुपये का डिफरेंट हो गया सिर्फ 3 या 4 महीने में, 4-5 महीने हुआ होगा मेरे को कंप्यूटर लिए हुए इतने दिन में, तो अभी बहुत महंगा है। अभी आपको सस्ता मिलने वाला SSD हो गया, रैम हो गया, रैम तो खैर ज़्यादा आपको सस्ता नहीं मिलेगा, 100-200 रुपये सस्ता मिलेगा, लेकिन आपको SSD सस्ता बहुत मिलेंगे, जैसे कैबिनेट हो गया ये आपको सस्ता मिलेंगे, ग्राफिक कार्ड बहुत सस्ता हो गया, ग्राफिक कार्ड आप लोग जा करके परचेस कर सकते हो किसी बड़ी मार्केट से, छोटी मार्केट में तो आपको मुझे नहीं लग रहा है कि वो इतने हैवी सब रखता होगा ग्राफिक कार्ड, हो सकता है कि रखता भी हो, मेरे को नहीं पता हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये जो है इंटेल UHD ग्राफिक अनेबल कर रखा है, F11 दबाते हैं, F11, और जो जी ये जो मैंने जो अपना बनाया था प्रीसेट वही प्रीसेट है, और जो है डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे जी, और इसको करेंगे बैक फोल्ड, और यहाँ से करते हैं ये देखिए यूज हार्डवेयर एनकोडर आ गया, अब यहाँ से सेव करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं ये आपको समझ लग जाएंगे, ठीक है। ये देखो अभी 71% हमारी जो है प्रोसेसर की ग्राफिक यूज हो रहा है, यानी कि 6 मिनट का वीडियो ये कंप्यूटर जो है अब मान लीजिए 40 सेकेंड में ये रेंडर करके अपने को दे रहा है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है ग्राफिक, अगर यही जो है ग्राफिक ये इसमें नहीं लगा रहता, अगर मैं इसमें लगाता ये इनविडिया GeForce 1060 में, तो जा करके ये इतनी स्पीड रेंडर नहीं करता, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ और क्या कहने वाला हूँ, ठीक है। तो ज़रूरत नहीं है मेरे भाई किसी भी कम चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं है, मैं जो हूँ यूज हार्डवेयर, ये हार्डवेयर इनकोडर वाला ये वाला जो ऑप्शन है ये GPU वाला, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये बता देना चाहिए, कि ये पता रहेंगे सब आदमी को तो ग्राफिक कार्ड में वो लोग पैसे नहीं खर्च करेंगे, और जितना अगर आपको सिर्फ EDS यूज करनी है तो ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको जैसे कि प्रीमियर प्रो हो गया या सोनी वेगास हो गया या फिर पिनिकल स्टूडियो हो गया, तो ये सब सॉफ्टवेयर यूज करना है तो आपको ग्राफिक कार्ड लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर सिर्फ EDS यूज करने का है तो ज़रूरत नहीं है।